ओके, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जल्दी से आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं, और मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है ये सारी चीजें आप मुझे एक बार क्लियर बता दें, ठीक है? फिर हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज एक बार प्लीज आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स करके बता दीजिए। ओके चले, तो यहां से जुड़ जाएं आप लोग जल्दी से जल्दी। सतीश, चवन, गुड इवनिंग, कैसे हो सतीश? और आप जुड़ चुके हैं, आप जल्दी से आप भी शेयर कर दो और भी दोस्तों को जल्दी से इनवाइट करो, हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। मैं आपको बता दूं, अभी इसी जनवरी मंथ का हम लगभग 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर विद डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, जल्दी से आप लोग यहाँ से फटाफट सेशन ज्वाइन करें, ठीक है? जल्दी से। बस 2 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करेंगे, बस 2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लें। और भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं धीरे से, ठीक है? सभी आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा वेट करें, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, जल्दी से शेयर करते चलो। ओके, कुणाल, कुणाल जी जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं कुणाल? और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? बहुत बढ़िया। और भी बाकी बच्चे सब आ जाएं जल्दी से। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी फटाफट आते जाएं। ओके चलिए, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बैंक बॉस, कैसे हो आप? वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए सेशन स्टार्ट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो आज हम क्या स्पेशल है हमारे पास, तो मैं बता दूं, स्पेशली इस 31st को आज हम ओवरऑल जनवरी मंथ का इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन जो है, 80 क्वेश्चन, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है पहला स्लाइड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ये हो जाता है कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप नहीं लिए हैं अनअकैडमी पे तो जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन पे आ जाइएगा, क्योंकि ढेर सारे अच्छे बैचेस आपके इंतजार में है और आने वाला फर्स्ट वीक और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन पे और भी अच्छे बैचेस आने वाली है, ठीक है? बहुत अच्छे बैचेस के साथ में अच्छे टॉप के एजुकेटर्स जो हैं वो एक नई बैचेस ला रहे हैं, आपको यहाँ से बैंक एग्जाम को क्रैक करने में और भी सुविधा मिलेगी यहाँ से, और ढेर सारे नए टीचर्स और नए बैचेस के साथ वो भी टॉप के एजुकेटर्स के माध्यम से आपको ये क्लासेस मिलेंगे, ठीक है? बात करता हूँ सबसे पहले मेरा परिचय का, तो मैं हरीश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रही बात मेरी, तो 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं जनरल अवेयरनेस और क्वांट एजुकेटर के तौर पे इस कैटेगरी पे हूँ, और आप लोगों के लिए हर रोज नए नए क्लासेस यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ। आज हमारा क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट 80 एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है विद डिस्क्रिप्शन विद सॉल्यूशन, ठीक है? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जनवरी मंथ का जो है, ये पूरे क्लासेस के हिसाब से जितने आपने करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा सुना होगा उसके हिसाब से मैंने 80 क्वेश्चन रखे हैं, और ये 80 क्वेश्चन के करने के बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कल अपडेट हो जाएंगे जनवरी मंथ का, ठीक है? तो इस महीने की पूरी एक एक दिन की घटना चक्र को हम अलग अलग जो है लेवल पे जो है इसको लेकर जाएंगे और अलग अलग लेवल पे इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है? बात करते हैं इंटायर जो आपके फीचर्स की, तो अनअकैडमी की स्पेशल फीचर्स से आप लोगों को फटाफट जुड़ जाना है, बहुत अच्छे फीचर्स यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे डेली फ्री में लाइव क्लासेस आपको मिलती है। इसकी लाइव क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद ये कोड लगा लेना, जब भी आपको कोई भी कोड पूछे तो आप याद रखना है HK2020 इस कोड का यूज करेंगे, और फ्री लाइव क्लास से यहाँ से आपको जुड़ना है, ठीक है? तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो ये काम कर लेना। लाइव टेस्ट और क्विजेज होती है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आज ही रिसेंटली मॉर्निंग में जो है एक अच्छी टेस्ट सीरीज हुई है जहाँ पे बहुत सारे पुरस्कार जो है वहाँ पे अवार्ड रखे गए थे आप लोगों के लिए, अगर आपने चूक कर दिया तो डेफिनेटली ये वीक टू वीक होते रहता है, अगले वीक भी ये होगा, तो कॉम्बैट टेस्ट में आप लोग को शामिल होना है। स्ट्रक्चर कोर्स की बात करें तो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर कोर्स, फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है, जहां से अलग अलग
जो है लेवल पे आपके लिए क्लासेस रखी गई हैं, आपके सुटेबल आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से आप जिस बैचेस में पढ़ना चाहें, जिस टीचर से पढ़ना चाहें, उस टीचर से आप पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी आपको रखी गई है, मतलब चॉइस ऑफ टीचर, चॉइस ऑफ बैचेस, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से टीचर से पढ़ाई करेंगे, कौन से बैच में आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अनअकैडमिक एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और आसानी से इसको डाउनलोड करने के बाद जब भी आपको कोई भी कोड पूछे फ्री क्लासेस देखने के लिए, तो किसी भी टीचर्स की क्लासेस को ब्रेक करने के लिए आपको एचके 2020 कोड का यूज करना है। 10% मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए भी आपको इसी कोड का यूज करना है, चाहे वो पेड कोर्स क्यों ना हो। ठीक है, अनअकैडमिक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको एक काम और जरूर कर लीजिएगा, आप मेरे बारे में यहां से आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद मैसेज करना ना भूलें, क्योंकि एक कनेक्टिविटी एक टीचर के साथ आपको रखनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स दिया हुआ है जहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। रही बात कोड की, तो एच के 2020 ये कोड है, बिल्कुल इसका यूज कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट भी इसी कोड से मिलेगा और आपको फ्री क्लासेस भी इसी कोड से मिलेगा। कोड क्या है? एच के 2020। टेलीग्राम चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, 3000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी यहाँ से जुड़े हुए हैं, हर रोज यहाँ से शेड्यूल लेते हैं और हर रोज वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, चाहे एप्टीट्यूड का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे आपके जनरल अवेयरनेस का हो, चाहे कंप्यूटर की क्लास क्यों ना हो, यहाँ पे हर एक टीचर अलग अलग समय पर यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के इस क्लासेस में बने रहना, और इसके लिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद यहाँ से एक ग्रुप का नाम है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। किस नाम से? लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, इस चैनल से आप लोग को जुड़ जाना है, क्योंकि यहीं से आपको सारे टीचर्स के क्लासेस के टाइम, प्रॉपर शेड्यूल उनके बारे में बताया जाता है। बहुत सारे प्लस में बैचेस आपके इंतजार में है और ढेर सारे वीक, हर वीक जो है कई क्लास आपके बैचेस आते रहते हैं। तो स्ट्रॉन्गली लाइनअप बैचेस की अगर हम बात करें तो 11 जनवरी से जो बैचेस बनी थी ये मेरे पास पिछली स्लाइड में है, और अभी फिर से इस मंथ नई वीक जो है फर्स्ट वीक में फिर से नई बैचेस आने वाली। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो बहरहाल अगर मैं बात करूं कुछ अच्छे बैचेस की, तो ये सारे बैचेस आपके लिए है। ये बैचेस आप कैसे ले सकते हैं, तो मैं बता दूं ये थोड़ा सा पेड वर्जन में है, बहुत कम फीस आपसे ली जाएगी, और सब्सक्रिप्शन आप जैसे यहाँ पे करेंगे, ये सब्सक्रिप्शन करने का मतलब यहाँ से पेड कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है कुछ पैसे लगा के पेड करके, लेकिन वहां पे डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा एचके 2020 के साथ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सॉरी, तो ओवरऑल ये चीजें हो गई होगी क्लियर मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं मुद्दे की, तो बात मुद्दे की क्या है दोस्तों, एक और जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो है फीस को लेकर। बहुत बच्चे अलग अलग फीस में जो है वो डाउट में रहते हैं कि फीस कैसी है, कैसे यहाँ पे कितने डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा किस कोड से मिलेगा, एज के 2020 ये कोड लगा लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये फीस आपको नहीं देनी है, फीस आपकी और भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये काम कर लेना, गेट सब्सक्रिप्शन करना काफी आसान है, इस प्रोसेस को आप बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल फॉलो करने के बाद मैसेज करना ना भूलें अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, मैंने क्या कहा, फॉलो करने के बाद मैसेज करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप किससे पूछेंगे, तो आप मुझसे डेफिनेटली डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और कोड के तौर पे एज के 2020 ये कोड लगा सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, जनवरी मंथ का है और जनवरी मंथ के हिसाब से इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको अगर आंसर सूझे तो अच्छी बात है, अगर आंसर नहीं आता है तो डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे विथ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बताऊंगा और आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में भी सारी चीजें यहां से मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है जनवरी मंथ का, हम बात करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि आपके एक यूनियन मिनिस्ट्री भी देखते हैं, हम सबको पता है, हैज बीन इलेक्टेड एज द बॉर्डर मेंबर ऑफ द ग्लोबल एलियंस एंड द वैक्सीन एंड द इम्यूनेशन गेवी, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गेवी लोकेटेड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन यूके, न्यूयॉर्क यूएसए, या फिर रोम इटली, या बीजिंग चाइना, कौन से देश में है गेवी का हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा जाता है, और गेवी मीन्स क्या है, तो ग्लोबल एलियंस फॉर द वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीनेस एंड द इम्यूनेशन दैट इज गेवी, तो क्या कहते हैं यहां पे? ओके, कलुआ कार्लोस,
काफी अच्छी फोटो आपने लगाई है, बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। वेरी वेरी गुड इवनिंग कलवा, और आई थिंक आप वही कलवा हैं जो मेरी क्लास में एक बार फिर से आ चुके हैं, मेरे क्लासेस में रहते हैं। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। सतीश चवन, फर्स्ट ए ऑप्शन होना चाहिए। हरीश पाटिल जी जुड़े हुए हैं। चलिए, हमारे छत्तीसगढ़ भाषा में क्या बोलते हैं इनको पता है? जो एक नाम वाले रहते हैं उनको बोलते हैं सही नाम। आप कहाँ से हो सर? हरीश पाटिल, मेरा भी नाम हरीश कुमार है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, तो यहाँ से आपने कहा सतीश जी ने फर्स्ट का ए ऑप्शन होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, हम बात करेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड की। द वैक्सीनेशन एलियंस गेवी इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड की हम बात करेंगे यहाँ से। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बिल्कुल सतीश, आपका आंसर बिल्कुल सही। वाह, हरीश पाटिल महाराष्ट्र, बिल्कुल महाराष्ट्र का बॉर्डर हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल नागपुर निकल जाइए, यहाँ से राजनांदगांव होके आपके महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे। आप महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास हैं कि बाहर से हैं? चलिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। चलिए, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ एक्सपोर्टिंग द इंडिजिनियसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल सिस्टम। द मिसाइल कम्स अंडर विच कैटेगरी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, या एयर टू एयर मिसाइल, या फिर एंटी टैंक, कौन सा है दोस्तों बताइए, क्या कहते हैं इसमें? ऑप्शन देने में बिल्कुल आपकी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आप ऑप्शन जल्दी से जल्दी दिया करें ताकि जल्दी से हम यहाँ पे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लगभग हमको इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन यहाँ से करने, 80 to 85 क्वेश्चन मैं यहाँ से आप लोगों को विद सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू आप मुझे बताते चलें क्या हो सकता है ऑप्शन। सतीश जी कह रहे हैं 2C, बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम है, ग्रेट। संतोष जी कह रहे हैं ई ऑप्शन, ए सर, ओके। कलुआ कार्लोस कह रहे हैं सी ऑप्शन होना चाहिए, बहुत बढ़िया। सरफेस टू एयर की बात करेंगे, सरफेस टू एयर सतह से जो है वायु पर मारक क्षमता रखती है ये मिसाइल जो है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री, कौन देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू एक्सपोर्ट द इंडिजिनियसली डेवलप्ड द आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश इज ए शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एरियाज एंड द वल्नरेबल पॉइंट्स फ्रॉम द एयर अटैक पार्क इन असम। ठीक है दोस्तों, चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करते हैं यहां पे। द न्यू लग्जरियर विस्टाडोम टूरिस्ट कोच ऑफ द इंडियन रेलवेज फॉर वॉज सक्सेसफुली टेस्ट रन रिसेंटली। द कोचेस हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड एट विच फैसिलिटी? रेल कोच फैसिलिटी, मॉडर्न कोच फैसिलिटी, डीजल लोकोमोटिव, रेल व्हील फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, क्या कहते हो? संतोष झा, वेरी वेरी गुड इवनिंग संतोष, ओके। शुभम जी कह रहे हैं 2C हो गया, 2C हो गया, यहाँ पे 3 की बात करें, ओके चलिए देखते हैं फिर। मैंने बोला था ना एयर डिफेंस सिस्टम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, आपका बिल्कुल सही था। संतोष जी रायबरेली से, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए बात करते हैं यहां से, तो राइट आंसर लगा ले यहाँ पे 3E ऑप्शन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, हम चेन्नई की बात करेंगे दोस्तों यहाँ से। रिसेंटली द इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंपेयर्ड द 180 किलोमीटर, कितना? 180 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड, ओके पर आवर स्पीड ट्रायल द इट्स न्यू डिजाइन विस्टाडोम टूरिस्ट कोच। The luxurious tourist coach have been manufactured by the Integral Coach Factory in Chennai. ये दोस्तों। Another question number 4 पे बात करें हम। India highest meteorological center, that is MC, has been set up, which is placed by the India Meteorological Department, IMD. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, श्रीनगर लेह
गुवाहाटी, शिमला या नैनीताल। चलिए, संतोष झा जी कह रहे हैं ले होना चाहिए और बाकी लोग भी ऑप्शन दे सकते हैं यहां से। सतीश जी क्या कहते हो यहां पे? क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग को पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी बताएंगे ना तो लगभग मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या आंसर कहना चाह रहे हैं, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन के थ्रू दे ए बी सी डी या ई। चलिए आंसर ले लें। बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ले है जिन्होंने कहा, बिल्कुल सही आंसर। डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड द मेट्रोलॉजिकल सेंटर एमसी ऑफ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ले इन द लद्दाख वाई द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 29 दिसंबर 2020। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर और कौन है? अर्थ एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 5, What is the strike range of आकाश मिसाइल? चले भैया आपको स्ट्राइक रेंज पूछा जा रहा है, 50 किलोमीटर की मारक क्षमता है या 25 की है या 100 की है या 75 की है या 150 की है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे बी। चलिए अंजलि, वेरी वेरी गुड इवनिंग अंजलि, आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, हेडक्वार्टर दिल्ली, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिन्होंने 25 किलोमीटर कहा मारक क्षमता, बहुत सही आपने आंसर लगाया। आकाश इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल विद द रेंज ऑफ 25 किलोमीटर टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एरियाज एंड द वल्नरेबल पॉइंट फ्रॉम एयर अटैक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज तिहान फाउंडेशन इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर द ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम एस्टेब्लिश्ड? आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद। चलिए क्या कहते हो यहां पे? सतीश चवन जी कह रहे हैं 6E ऑप्शन होना चाहिए, संतोष झा भाई साहब कह रहे हैं 6 में आईआईटी हैदराबाद की बात बोल रहे हैं। ओके चलिए, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोगों ने लगभग सही ऑप्शन आपने चूज किया। हम बात करेंगे तिहान हैदराबाद से, ठीक है, तिहान आईआईटी हैदराबाद से है, ठीक है, टेस्टेड ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम टेरेस्ट्रियल एंड द एरियल, ठीक है, एट द आईआईटी हैदराबाद। और कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के तौर पे कौन देख रहे हैं? रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तिहान आईआईटी हैदराबाद, इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेड ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट पोलिनेटर पार्क ओपन रिसेंटली? यूपी, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड? यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के तौर पे भी है और स्टेट का भी नाम दिया है, कौन सा होगा ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिनेटर पार्क और वो भी फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, क्वेश्चन नंबर 7 पे सी ऑप्शन आ गया है, पे डी ऑप्शन भी कह रहे हैं, कोई एचपी कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड की, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन इन द उत्तराखंड विल सपोर्टेड ओवर द 40 कीज स्पीसीज। द पॉलिनेटर पार्क विच टूक नियरली ए ईयर टू बिल्ड वॉज इनॉग्रेटेड बाई द नोटेड लेपिडोप्टेरिस्ट पीटर इसमें टेक फ्रॉम द बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भीमताल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज तास्केन समारोह ए क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड एनुअली? कोलकाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या न्यू दिल्ली?
सॉरी, मैंने तानसेन कहा, मैंने तास्केन कह दिया था यार, दिमाग में क्या चल रहा है। तानसेन यार, सॉरी, तानसेन समारोह इसकी हम बात कर रहे हैं ना, तानसेन समारोह। एमपी, एटपी, मध्य प्रदेश। चलिए तो बिल्कुल सही है, हम एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। रिसेंटली द 96 एडिशन पे जो है, मतलब वर्षगांठ के तौर पे तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल संपन्न हुआ है। बिगेन इन द ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड द विल कंक्लूड एट द बिहात विलेज, ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन, तानसेन जी जो जाने माने संगीतज्ञ तौर पे जाने जाते थे एक समय में, ठीक है। ऐसे व्यक्ति विशेष के लक्ष्य में जो है उनके बर्थ प्लेस पे जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हेन वाज गेवी द वैक्सीन एलियंस क्रिएटेड, बताइए कौन सा यहाँ पे ईयर लेंगे, 2000, 2015, 2005, 2010 या 2020। चलिए यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो यहां से आप लोग राइट ऑप्शन क्या कहते हो। कंफ्यूज की स्थिति है और कह रहे हैं कि हेडक्वार्टर लंदन। यहां से आप गेवी के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मली द ग्लोबल एलियंस वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन इज ए ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू इम्यूनेशन ऑफ ऑल, या इम्यूनेशन ऑफ ऑल। इट वॉज फाउंडेड इन 2000 एंड हेड क्वार्टर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई। अब भी हमने बात किया था जेनेवा स्विट्जरलैंड का, और ये आपको डेट पूछा गया था कि कब से इसकी स्थापना हुई प्रॉपर, ठीक है, कब अस्तित्व में आया था ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें, इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंप्लीटेड द व्हाट इज द केएमपीएच, किलोमीटर पर आवर स्पीड, किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रायल ऑफ इट्स न्यू डिजाइन विस्टा डोम टूरिस्ट कोच। कितना है, 10 ई ऑप्शन होना चाहिए, 10 पे डी भी कह रहे हैं, अलग अलग आ रहा है, लेकिन 10 ई इज राइट आंसर। यहाँ पे संतोष झा जी, सतीश का जवाब सही है। ओके, ऑप्शन नंबर ई 180, अंजलि भी ने जवाब सही दिया, 180 पर आवर स्पीड ट्रायल ऑफ इट्स न्यू डिजाइन विस्टा डोम टूरिज्म कोच। इंडियन रेलवे की ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड तो एक कहना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कंफर्म्ड विद द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2020। पुष्पक भट्टाचार्य, महेंद्र नाथ पांडे, प्रभाकर सिंह, विनोद कुमार यादव या अशोक झुनझुनवाला, तो बताओ भैया। वेरी वेरी गुड इवनिंग आदित्य, कैसे हो आप। अमनदीप कौर, आपको भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। 11 डी कह रहे हैं आप, ई ऑप्शन, चलो ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। हम विनोद कुमार यादव जी की बात करेंगे तो चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव हैज बीन कंफर्म्ड विद द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2020। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कंफर्म्ड विद द प्रेस्टिजियस तानसेन सम्मान। तो चलिए तानसेन के बारे में, ये सम्मान के बारे में अब आपसे पूछा जा रहा है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स किया था कि ये पुरस्कार किसको गया था, तो अब चलिए ये भी बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है विद्याधर, सतीश व्यास, मंजू मेहता, दालचंद शर्मा या फिर उल्लास
बताइए। संतोष झा जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन आ भी गया। अब चलिए थोड़ा गेस करके देखिए क्या कहते हैं इस क्वेश्चन पे। और संतूर ये क्या है? अच्छा, कंफ्यूजन की स्थिति है। चल कोई बात नहीं, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हम बात करेंगे सतीश व्यास का। इन द इनॉर्गल सेरेमनी रेनॉर्ड संतूर प्लेयर पंडित सतीश व्यास वॉज कंफर्म्ड अपॉन द प्रेस्टिजियस तानसेन सम्मान। क्लियर है ये अपडेट? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली पास्ड अवे इंदिरा जोसेफ वेन्यूर वॉज ए रिन्यूड, कौन से प्रोफेशन थे ये बताइए भाई। हिंदी राइटर, इकोनॉमिस्ट, पोएट, सिंगर या ब्रॉडकास्टर? सतीश जी बिल्कुल श्योर थे अपने क्वेश्चन पे, आंसर पे? बिल्कुल सही था आपका आंसर। और यहाँ पे 12 में ई ऑप्शन कह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, 12 हो चुका है सतीश, हम 13 पे पहुंच चुके हैं। 13 पे क्या कह रहे हो? अच्छा 13 का ई बोले हैं क्या आपने? ठीक है, अमनदीप कौर जी कह रहे हैं ई ऑप्शन। कलुआ जी क्या कह रहे हैं? आफ्टर चीटिंग गूगल आंसर टर्न टू बी कंफर्म। ऐसा भी करते हो क्या यार आप लोग? अच्छा इधर से मेरी वॉइस जा रही है तो उधर चालू कर देते हो क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, मुझे ये टेक्निकल चीजें अभी नहीं पता है। नहीं, एक एड अभी अभी जरूर देखने को मिलता है कि बोलने से बहुत कुछ होता है। अभी एक एड आ रहा है ना गूगल का, बोलने से बहुत कुछ होता है। ई ऑप्शन इज राइट आंसर। ब्रॉडकास्टर की हम बात करेंगे दोस्तों। करेक्शन सर, लास्ट आंसर वाज 13 क्वेश्चन। हाँ मुझे लगा ना आपने हड़बड़ी में 12 ई लिख दिया था, वैसे आपने सही आंसर दिया था 13 का ई बोलना था आपको। चले तो आपके वेटरन ब्रॉडकास्टर की हम बात करें, इंदिरा जोसेफ, ठीक है। वेन्यूर पास्ड अवे, सी वॉज ए रिन्यूड ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो वेटरन एंड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज अनाउंसर फॉर द त्रिवेंकोर रेडियो व्हेन द इंग्लिश सर्विस बिगेन इन 1949। तो एक ब्रॉडकास्टर के तौर पे इनका नाम याद रखना आपको, इंदिरा जोसेफ वेन्यूर। Another question number 14. What is the theme subject of Mother Teresa Memorial Award for the Social Justice 2020? Combating contemporary forms of slavery, celebrating compassion in time of COVID, compassion beyond borders, combating contemporary forms of COVID, compassion form of slavery, ये चार पांचों ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे अमनदीप कौर जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, सतीश कह रहे हैं ए ऑप्शन, अंजलि भी कह रही है ए ऑप्शन। ओके चलिए चेक कर लें, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। सेलिब्रेटिंग कॉम्पेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, ठीक है, ये इस साल का थीम था। किसका थीम था तो हम बता दें, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर द सोशल जस्टिस 2020। ओके बी ऑप्शन वाले का बिल्कुल, अमनदीप आप कंफर्म थे, बहुत बढ़िया, आदित्य भी बी ऑप्शन, चलो ठीक है। अनदर क्वेश्चन नंबर 15, नितिन गडकरी जी की हम बात करेंगे, हैज अनाउंस्ड दैट ए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच स्टेट। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था, फिर भी बताओ, अभी नहीं हुआ था लेकिन मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था आई थिंक, मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा, बताइए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 15 पे डी ऑप्शन कह रहे हैं। ओके और कोई? सतीश जी, सतीश का तो जवाब आ गया है कि इसमें से कोई नहीं। अच्छा ऐसा भी है क्या जवाब? नहीं ऐसा ऐसा बात नहीं है आदित्य, बिल्कुल आएगा।
ये तो हो ही नहीं सकता, हम बात कर रहे हैं ना। देखो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, असम की हम बात करेंगे। नितिन गडकरी हैज अनाउंस दैट द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन असम, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे नितिन गडकरी हैज अनाउंस दैट इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। क्लियर। चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर 16, यहां से बात कीजिए, पढ़िए और बताइए क्या जवाब देते हैं। व्हाट इज द करेंट डेडलाइन सेट फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फिलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20? क्या कहते हो यहां पे? चलिए 16 बी ऑप्शन, यहां पे हम बात करेंगे सी ऑप्शन का, 10 जनवरी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फर्दर द एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ फाइन इनकम टैक्स रिटर्न आई टी आर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 बाई द 10 डेज अप टू द जनवरी 21। अर्लियर दिस डेडलाइन वॉज December 31st। बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया 10 दिन और। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेनर ऑफ के सीवन एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अप टू जनवरी 2022। तो सबको पता है के सीवन जी कहां से जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता है वो भी अपडेट करके चलें, क्योंकि सबको पता है, मेरे हिसाब से सबका आंसर सही आएगा। 17 बी अंजलि, इसरो, कलवाब जी 20, और पक्का ना तुम्हारा नाम ना यही है। मजाक कर रहा हूं, नाम हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य जी बी ऑप्शन, चलो ठीक है, इसरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक एक वो भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं, पापा का हेलीकॉप्टर, एक ऐसा भी आते हैं ना पापा का हेलीकॉप्टर, इस नाम से जो व्यक्ति आता है वो भी काफी अच्छा आंसर देते हैं मेरी क्लास में, पापा का हेलीकॉप्टर। और एक और है कोई, प्रिया राय, और आप तो हो, एक नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं हमारे यहाँ क्लास में, वो भी, काफी सारे सेलेब्स हैं हमारे यहाँ, और काफी सारे सुपरस्टार भी हैं, सुपर हीरो भी हैं, कुछ सुपर हीरो लोग भी आते थे, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, तो काफी अच्छा महसूस करता हूँ मैं। पिंपरी चिंचवाड़ पुणे, चलो बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। पुणे हैज रिसेंटली साइंड द एमओयू विद यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, टू को क्रिएट इंडिया फर्स्ट सोशल इंपैक्ट बॉन्ड एसआईबी, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा ये मुझे थोड़ा सा कमेंट्स करके बताओ, इसमें से कितने लोगों को, देखिए अभी तो डिनर किसी का नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए इसके बाद मेरी एक और क्लास है, और पक्का वादा है मैं तो आऊंगा, आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट्स करके बता देना कितने बजे हम वो क्लास करेंगे, क्योंकि अभी की क्लास जो है ना, काफी सारी क्लासेस हैं अभी, थोड़ी लंबी तो चलेगी, क्योंकि 19 क्वेश्चन है, हमें 80 तक का करना है। और बाकी की क्लासेस कितने बजे हो, आज रात को हम कितने बजे कर पाएंगे, ये थोड़ा सा कमेंट्स करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA हैज बिकम एन एसोसिएटेड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन IOSCO, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOSCO, बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए? मैड्रिड, लंदन, न्यूयॉर्क, रोम, बीजिंग, मेरा तो हो गया। अरे भाई अभी तो भूख लगना स्टार्ट हो गया है अपना, क्योंकि बोलने से बहुत कुछ होता है, अभी एक ऐड आ रहा है ना गूगल का, बोलने से क्या होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है। है कि नहीं? आप लोग भी कुछ ऐसे भी होंगे जो गूगल में भी बोल भी रहे होंगे,
मैड्रिड, लंदन, न्यूयॉर्क, रोम और बीजिंग में हम बात करेंगे कहाँ की, मैड्रिड की। तो ये अपडेट थोड़ा सा ध्यान रखना, द हेडक्वार्टर ऑफ IOSCO एट मैड्रिड इज स्पेन। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड $10 million लोन एग्रीमेंट विद द इंडिया टू एक्सपोर्ट हार्टिकल्चर इन द हिमाचल प्रदेश? HP, UNDP, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, आसियान डेवलपमेंट बैंक, ADB। क्या कहते हो आप लोग? क्वेश्चन नंबर 20। सतीश जी कह रहे हैं 20E। ओके बहुत बढ़िया। बलुआ जी कह रहे हैं कलुआ कार्लोस। आपका कलुआ नहीं कहूंगा मैं आपका ये जो कार्लोस जो आपने सरनेम रखा है वो मैं कहूंगा, अच्छा लगेगा। और एक दो और सुपर हीरो है ना, कौन कौन सी मूवी आई थी अभी, एक और आई थी उसमें से भी कुछ सेलेब्स मैं देखना चाह रहा था, उन लोग नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ से राइट ऑप्शन जो है वो ई ऑप्शन कहेंगे दोस्तों। ADB की हम बात करेंगे, आसियान डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे एंड द इंडिया साइंड द $10 million टू लोन टू सपोर्ट द प्रोटेक्ट प्रिपरेशन टू एक्सपांड द हॉर्टिकल्चर इन HP हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL? चलिए ये भी हिंट दे देता हूं मैं, क्या हिंट दूं इसमें, तो सभी महिलाओं के ही नाम है कि नहीं, तो चलो बताओ भैया कौन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज SAIL, इसके प्रमुख अभी कौन है? 21 पे बी ऑप्शन कह रहे हो? ओके सोमा मंडल यही है, बिल्कुल सही जवाब है। सोमा मंडल जी की हम बात करेंगे, चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। दी इज द फर्स्ट एवर वुमेन हेड ऑफ द बॉडी, ये पहली बार है जब एक पहले महिला के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है इस पद पे, पहली महिला बन चुकी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रमुख के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 22। पीएम मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHPS इज हाउ मेनी स्टेट? 9, 8, 7, 6, 5। क्या कहते हैं दोस्तों यहां पे? बैंक पॉज कह रहे हो, ए ऑप्शन। सतीश जी कह रहे हैं 22 पे ए ऑप्शन, चलिए चेक करते हैं। राइट ऑप्शन ए ना होके आपको कहना है डी ऑप्शन। ओके चंदन, वेरी वेरी गुड इवनिंग चंदन, आप जुड़ चुके हो, आप भी आ जाओ मैदानी जंग पे। ठीक है चलिए क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। 6 यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है 6 और कौन कौन से है तो मैं बता दूं आपको, इंप्लीमेंट इन द एट द इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा एंड द लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये 6 आपके जो है वो खासतौर पे सिटी है कह सकते हैं, ठीक है स्टेट है कह सकते हैं जहां से ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाना है। ठीक है ठीक है 6। डायरेक्शन में भी 6 क्यों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। अच्छा आपने जो है गलत दे दिया था, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करें, DRDO ऑब्जर्व एड्स कितने नंबर का जो है वर्षगांठ थी फाउंडेशन डे ऑन
1 जनवरी 2021 ये पूछा जा रहा है, कितने वर्षगांठ के तौर पे ये मनाया गया था। डीआरडीओ सी ऑप्शन। और कोई टी ई ऑप्शन। चलिए हम बात करेंगे, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 63 कहेंगे। क्यों 63 कहेंगे? द डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ऑब्जर्व द 63rd फाउंडेशन डे ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन द जनवरी 1, 2021। ठीक है, तो 63वें वर्षगांठ के तौर पे अभी डीआरडीओ का जो है वो दिन जो है वो विशेष मनाया गया है फाउंडेशन डे के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। न्यू चेयरमैन ऑफ एंड द सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, संजय पाल, सुनीत शर्मा, अमित धवन, हरीश कुमार साहू, मेरा भी नाम रख सकते हो, या रोशन सिंह, बताओ ऑप्शन। वी मुझे समझ में नहीं आया, वी मीन्स क्या? अच्छा, गलती से आपने वी प्रेस किया, मतलब सी ऑप्शन कहना चाह रहे थे, एम आई राइट? या फिर बी ऑप्शन कहना चाह रहे थे? हाँ, मुझे लगा ना हाथ फिसल गया होगा, होता है ऐसा, तो आपने बी ऑप्शन कहा। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम सुनीत शर्मा जी की बात करेंगे, सुनीत शर्मा बिल्कुल सही है आप। ठीक है, स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस दैट इज SCRA, स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस फॉर द 1978 बैच की जो है ये ऑलरेडी अधिकारी रह चुके हैं, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड द एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म कभी कभी इसका भी पूछा जा सकता है, स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस, तो छोटे 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 जो शॉर्ट नेम होते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखा करें। क्वेश्चन नंबर 25, द आसियान डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज साइंड द 231 मिलियन डॉलर लोन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन द स्टेट ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 ए ऑप्शन, ओके सतीश जी कह रहे हैं ए ऑप्शन, और कोई भी? कुनेकर आकाश, वेरी वेरी गुड इवनिंग कुनेकर जी, ये ऑप्शन। मैं छत्तीसगढ़ से हूं चंदन जी, आप कहां से हैं सर? आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ जी, भिलाई इस्पात संयंत्र जहां है वहीं से हूं मैं, तेल की एक यूनिट है ना, जैसे राउरकेला है, बोकारो है, वैसा ही भिलाई पे भी। यहां से हम राइट ऑप्शन क्या कहेंगे, हम असम की बात करेंगे। ओके, याद रखिएगा, हम बात करेंगे असम की। द आसियान डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज साइंड द 231 मिलियन लोन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन द स्टेट ऑफ असम, कहना दोस्तों, क्लियर है? चलिए, अनदर क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA लोकेटेड, मुंबई है या गुड़गांव, हैदराबाद, दिल्ली या गांधीनगर गुजरात, क्या कहते हैं? 26 पे ई ऑप्शन कह रहे हैं सतीश जी, गांधीनगर गुजरात, और कोई?
चलिए, डेफिनेटली राइट आंसर है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रैल 2020 एज ए यूनिफाइड अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल सर्विस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इन द कंट्री. द बॉडी हैज हेडक्वार्टर इन गांधीनगर गुजरात. क्वेश्चन नंबर 27. रिसेंटली शांतनु मोहपात्रा पासेस अवे. ही वॉज ए लेजेंडरी एज ए डांसर, एज ए क्रिकेटर, एज ए म्यूजिशियन, एज ए इकोनॉमिस्ट या फिर फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पे. तो कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? शांतनु मोहपात्रा. 27 नंबर पे ई ऑप्शन. ओके सतीश जी कह रहे हैं ई ऑप्शन. डेफिनेटली आप जो है थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा आपको. वो जाने माने म्यूजिशियन के तौर पे माने जाते हैं, लेजेंडरी ओडिया म्यूजिशियन के तौर पे. ओके तो याद रखिएगा शांतनु मोहपात्रा पास्ड अवे. ही वॉज द फर्स्ट ओडिया म्यूजिक कंपोजर टू वर्क विथ लीजेंड लाइक लता मंगेशकर, मन्ना डे एंड द मोहम्मद रफी, एम डी रफी, एंड ऑल्सो द फर्स्ट टू वर्क इन द हिंदी, बंगाली, असमीज एंड द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री. ओके तो काफी सारे क्षेत्रीय प्रधान जो लैंग्वेज है उसमें उन्होंने काम किया है और साथ में उड़िया म्यूजिशियन के तौर पे ये जाने माने म्यूजिशियन के तौर पे इनको नाम ये जाना जाता है. ठीक है, शांतनु मोहपात्रा म्यूजिशियन एज ए ओडिया म्यूजिशियन. क्वेश्चन नंबर 28. उस व्यक्ति विशेष का नाम आपको बताना है. हैज बीन नेम्ड एज द डिप्टी इलेक्शन कमीशन इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे कौन है? ट्वेंटी ओके बहुत बढ़िया. हम बात करेंगे उमेश सिन्हा जी की. अच्छा यहां पे ना थोड़ा सा गौर करना, यहां से मैंने दिसंबर करंट अफेयर्स लिख दिया है, ये थोड़ा सा चूक हो गई है इस स्लाइड पे. एक्चुअल में ये जो पूरी हम जो क्लासेस कर रहे हैं वो जनवरी मंथ का पूरा कंप्लीट मैं यहाँ पे आप लोग को दे रहा हूँ एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन. बहरहाल अभी 80 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं और यहाँ पे थोड़ा स्लाइड में आंसर वाले स्लाइड में मैंने दिसंबर लिख दिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये जनवरी का है पूरा. ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखे चलेंगे. यहाँ से डी ऑप्शन इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करें. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ न्यू बुक वहाना मास्टर क्लास. क्या वहाना मास्टर क्लास, तो बताइए क्या है ऑथर ऑफ न्यू बुक. ध्यान आ रहा होगा तो बिल्कुल बता सकते हैं. क्या कहते हैं 29B. ओके बहुत बढ़िया, अल्फ्रेडो कोवेली. ठीक है, एन इटली बेस्ड ऑथर हैज लॉन्च्ड हिज न्यू बुक वहाना मास्टर क्लास फॉर द चिल्ड्रन एंड यंग ऑडियंस. ठीक है, बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए जो है एक बुक जो है खासतौर पर वहाना मास्टर क्लास ये बुक है आई थी और ऑथर के तौर पे अल्फ्रेडो जी का नाम आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 30. नेम द प्रेजेंट हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. कौन है इसके हेड ये बताइए. अचीम स्टेनर, हेलेन क्लार्क, हेमल डेरवीज, मार्क मालोच ब्राउन या फिर जेम्स स्पेथ. क्या कहते हैं 30D. सतीश जी कह रहे हैं डी ऑप्शन. यहाँ पे हम बात करेंगे ए ऑप्शन का. अचीम स्टीनर का नाम याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक
ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यूएनडीपी की बात बीच बीच में आती रहती है न्यूज में, तो जब भी अब इसके हेड की बात होगी ना, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना। हेड यूएनडीपी अचीम स्टेनर हेड ऑफ यूएनडीपी, अचीम स्टेनर हेड यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अचीम स्टेनर, ये थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से डाल लेना, क्योंकि यूएनडीपी के बारे में आपको ढेर सारे न्यूज आते रहते हैं, ठीक है, ये चलन में रहता है, चर्चित विषय है ये। आरबीआई हैज लॉन्च द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, टू कैप्चर टू एक्सटेंड द डिजिटलाइजेशन ऑफ द डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स इन इंडिया। द इंडेक्स कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स पे, 10, 7, 4, 5, 8। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, थोड़ा अगर ये ध्यान नहीं आ रहा होगा तो मैं इसका आंसर शो करना चाहूंगा। यहां से हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, यहाँ पे 5 आपको राइट आंसर लेनी है। आरबीआई की ये पहल है दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई टू कैप्चर द एक्सटेंड ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। द आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई हैज 5 ब्रॉड पैरामीटर्स, ठीक है, 5 ब्रॉड पैरामीटर्स इसके लिए लागे हैं, लागू किए गए हैं। आप आरबीआई की साइट में जाएंगे तो ये रूल्स रेगुलेशन आप इसके बारे में पढ़ पाएंगे, वो गाइडलाइन जारी की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करें, द इंडियन नेवी हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन डेजलर्स, लेजर डेजलर्स के नाम से, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL में इस भेल, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉट या DRDO। 32 पे बी ऑप्शन कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के माध्यम से इंडियन नेवी है साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, टू प्रोक्योर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिम्युलेटेड इमिशन रेडिएशन डेजलर्स। इनिशियली एग्रीमेंट हैज बीन साइंड फॉर 20 लेजर डेजलर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, बूटा सिंह हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए वेटरन लीडर ऑफ विच पार्टी। तो बूटा सिंह के बारे में अगर आपने अपडेट पढ़ा होगा तो ये बताइए, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और वो कौन से पार्टी के लीडर के तौर पे, नेता के तौर पे जाने जाते हैं। आप बीजेपी, INC या CPIM या फिर TMC। सलमान हैदर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, आपके यहाँ अब कैसी है, आपके परिवार में जो है माहौल बढ़िया होगा और अच्छा होगा, शांतिप्रिय होगा, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। माता जी का भी कार्यक्रम अच्छे से निपट गया होगा। सतीश चौहान जी कह रहे हैं 33C ऑप्शन, आदित्य जी सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। हम बीजेपी की बात करेंगे, बूटा सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड द सीनियर राजस्थान कांग्रेस लीडर बूटा सिंह हैज पास्ड अवे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी भी अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, उनका भी एक निधन वाला जो है आपने खबर पढ़ा होगा, कांग्रेस के दिग्गज नेता के तौर पे जाने जाते हैं। व्हाट इज द बेस पीरियड सेट फॉर द डिजिटल पेमेंट बैक पेमेंट इंडेक्स DPI बाय RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मार्च 2017, 2019, 2018, 2021 या 2020, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 34,
यहां से हम बात करें राइट आंसर पे, तो यहां से आंसर आप लोग लगाएंगे सी ऑप्शन, ठीक है। हम मार्च 2018 की बात करेंगे दोस्तों, यहां से द बेस पीरियड ऑफ आरबीआई डीपीआई इज मार्च 2018। दिस मीन्स दैट द डीपीआई स्कोर फॉर द मार्च 2018 इज सेट फॉर द 100। आरबीआई हैज कैलकुलेटेड द डीपीआई फॉर द मार्च 2019 एंड द मार्च 2020 एट द 153.47 एंड द 207.84 रेस्पेक्टिवली, इंडिकेटिंग द एप्रिसिबल ग्रोथ। तो लगभग ये आंकड़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम्स द इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर? जी आकाश, पी इनियन है, पी इनियन, ठीक है, जी आकाश, पी इनियन, इवाना मारिया, लियोन या फिर रौनक साधवानी। 34 सी, नॉट श्योर, ओके कोई बात नहीं। सतीश जी कह रहे हैं 35 पे डी ऑप्शन होना चाहिए, ओके चलिए, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। हम बात करेंगे लियोन मेंडोनका, ठीक है, गोवा 15 ईयर ओल्ड, मात्र 14 साल की उम्र में लियोन बिकम्स द इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर। मात्र 14 साल की उम्र में 67वें नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर के तौर पे इन्हें नामित किया गया है, इन्हें चुना गया। क्वेश्चन नंबर 36, कोलोनियल नरेंद्र बुल कुमार पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया इंडियन आर्मी? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ट्राइडेंट, त्रिदेंत है या फिर आपके ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन पवन या ऑपरेशन मेघदूत, क्या कहते हैं फिर? बी ऑप्शन, यहां से ऑपरेशन मेघदूत, ये अपडेट कर लीजिएगा, थोड़ा अपडेट है, आराम से पढ़िएगा। हम बात करें तो 1978 के कोलोनल, ठीक है, कोलोनियल कुमार लेड हैंड द एक्सपीडिशन टू द स्लेचेन, द फर्स्ट सच ट्रैक टू द ग्लेशियर एंड द प्लेनेट द ट्राइकलर देयर। He later mapped the area 1982. He was the responsible for the success of Operation Meghdoot 1984. Meghdoot जो ऑपरेशन है उसको सफलतापूर्वक इनके माध्यम से संचालित जो हुआ था, संपन्न हुआ था, प्रमुख व्यक्ति के तौर पे थे और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन था, ठीक है, पाकिस्तान फ्रॉम द ऑक्यूपाइंग द टैरो रिज एंड द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर। कलुआ चले गए आप और इनको ले आए, और आप कहां हो कलुआ मेरे भाई? पापा का हेलीकॉप्टर, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बिल्कुल यहां से आप हेलीकॉप्टर चलाते चलें और सबको मजे भी देते चलें, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो वर्ल्ड ब्रेली डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे सिंस 2019? तो हमारे बीच पापा के हेलीकॉप्टर जुड़ चुके हैं, जो कि काफी इंटरटेनमेंट और जाने माने व्यक्ति विशेष के तौर पे हैं, और काफी अच्छा आंसर इनका आता है, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्यारे व्यक्ति हैं। और सतीश चौहान जी कह रहे हैं ओके सर, चलो ठीक है, यहां पे राइट ऑप्शन क्या लगाओगे? टी ऑप्शन। 4 जनवरी की हम बात करेंगे दोस्तों, वर्ल्ड ब्रेली डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 4 दिसंबर सिंस 2019। द डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेली एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फुल रियलाइज ऑफ द ह्यूमन राइट्स फॉर द ब्लाइंड एंड द पार्शियली साइटेड पीपल, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे वर्ल्ड में जो है ब्रेली डे मनाया जाता है, ग्लोबली मनाया जाता है।
और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 4 जनवरी से हुई है, ठीक है। इसलिए 4 जनवरी को एवरी ईयर ये मनाया जाता है, और ये इसकी शुरुआत 2019 से हुई है। 38 नंबर पे बात करते हैं। इंडिया हैज बीन चूजन एज द को चेयर ऑफ IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP अप टू 2021, 2022, 2023, 2024 या 2025। APAP ये थोड़ा उल्टा हो जाता ना, तो पापा पापा हो जाता नहीं, बाकी ये APAP है। देखिए मजेदार बात आ रही है, पापा का हेलीकॉप्टर कह रहे हैं कोविड हो गया था सर, जंग जीत कर आए हो। ओ चलिए, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल प्रार्थना करते हैं कि अब ऐसे आपका तबीयत अच्छा रहे। ओके, अभी कैसे हैं? पूरी तरह से खत्म हो गया आपका संक्रमण COVID-19 का? अब ठीक है ना? क्योंकि देखिए प्रॉपरली आप लोग जैसे भी हो, जहां भी हो, आप लोग जिस स्टेट से हो, आप लोग काफी अच्छे लोग हैं। आप लोग सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मास्क को नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। उसको जीवन का एक अंग बना लो तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल बहरहाल अभी की अगर हम बात करें तो उसको एक जो है आप अपना जो है बिल्कुल जरूरी समझ के चलें। जैसे रुमाल अगर हाथ में है, जेब में रुमाल है, पर्स है, तो डेफिनेटली मास्क भी आपके साथ होनी ही चाहिए साथ में। इन द सेंस आपको कहीं लटका के नहीं रखनी भैया, उसको पहन के चलना है। ऐसे भी लोग हैं ना। तो यहाँ पे APAP मीन्स क्या होगा दोस्तों? एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, दैट इज APAP, IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स टिल द नवंबर 2023, ठीक है। APAP। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स 2021? आप सबको पता है बीच में हमने अपडेट भी किया था, ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स जारी किया गया अभी हाल ही में कुछ समय पहले 2021, जहां पे अमीर व्यक्तियों की सूची बताई गई थी, जहां से मुकेश अंबानी जी का है पूछा जा रहा है आपको कौन से पोजीशन पे थे। फिफ्थ, चलिए बहुत बढ़िया, हम बता दें यहां से 12वें स्थान पे थे, ठीक है। 12वें स्थान पे थे, वो 5वें स्थान पे नहीं थे। और इनके बारे में अगर अपडेट कर लें तो इंडिया रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्री दैट इज रिल ड्रॉप्ड डाउन टू 12th स्पॉट इन द ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स 2021 एज ऑन द 2nd जनवरी 2021, ये रिपोर्ट आई थी। हम भी कभी अमीर होंगे क्या सर? क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आप अमीर होंगे, और अमीर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, किसी को किसी की बॉन्डिंग नहीं है। और अमीर और गरीब ये शब्द यूज ना करके हम क्या कहेंगे कि हमें एक सफल व्यक्ति बनना है। सफल व्यक्ति कौन होता है? जो एक अच्छा व्यक्ति होता है। अच्छा व्यक्ति कौन है? कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, एक अच्छे नागरिक बने, और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह पढ़ाई भी करें, और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए माँ बाप का सपना पूरा करें। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी अमीरी और क्या हो सकती है कि आप अपने माँ बाप के सपनों का पूरा करें, अपने ख्वाब को पूरा करें और अच्छे स्थान पे पहुंचे। तो ये है अमीरी मेरे हिसाब से। बाकी डिफिनेशन तो अलग अलग हो सकती है कि नहीं? अमीरी की तो अलग अलग डिफिनेशन है। दैट्स डिपेंड ऑन योर, है ना, आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द इनॉर्गल इशू ऑफ द नेशनल पोलिस के 9 जनरल इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो डेफिनेटली देखिए अमीर होना सबके लिए जरूरी है, और अमीर की अलग अलग परिभाषा है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अमीरी पे जीना चाहते हैं। बाकी अर्थ बिल्कुल जरूरी है, अर्थ मीन्स पैसा, तो ये तो बिल्कुल आवश्यक, मूलभूत आवश्यक सामग्री, मतलब कहना चाहिए थिंग्स है, चीज है जिसको आपको बिल्कुल लेके चलना चाहिए। इसके बगैर तो जो है
कोई चीज ठीक नहीं है। इतनी अर्थ की है ना उत्पन्न रहना चाहिए कि बिल्कुल हमारी लाइफ जो है वो प्रभावित न रहे। नजर का इलाज है सर, लेकिन नजरिए का नहीं। ये भी है, बड़ा खूबसूरत बात लिखते हुए आप, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बहुत बढ़िया, ये आपका जवाब जो है ये रॉन्ग हो गया। आपका अमित शाह का नाम लेना है। क्यों? होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर के तौर पे अमित शाह जी हैज रिलीज द इनॉर्गल इशू ऑफ द नेशनल पोलिस K9 जनरल इन न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। होम मिनिस्टर के तौर पे आपको नाम याद रखना है, अमित शाह। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 41 पे उस स्थान का नाम बताना है, उस गवर्नमेंट का नाम बताना है, स्टेट गवर्नमेंट का। हैज सेट अप ए तमिल एकेडमी टू प्रमोट द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ साउथर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो कौन सा जो है गवर्नमेंट है, रांची में है ना, या झारखंड जो है, या फिर आपका हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली। वाह, अंजलि जी जुड़ी हुई हैं, ऑप्शन कह रहे हैं दिल्ली। अरे नाम मत लो यार आदित्य, क्या मजाक कर रहे हो, प्रकट होने में टाइम नहीं लगेगा उनका, मत प्रकट करवाइए। 40A अंजलि देली, 37 54 41E। अब आपने कह दिया ना, तो यहीं से कहीं है वो, हमसे अभी जो जुड़े हुए हैं है ना, किसी दूसरे नाम से, वो अभी प्रकट हो जाएंगे, पता है आदित्य। मैं भी जनता के साथ जाऊंगा दिल्ली। अरे ऐसा घोर अपराध ना करो। राष्ट्रहित में कौन सा चीज सही है उस पे चलिए। आपकी विवेकशीलता, देखिए देयर आर टू वे, एक होता है विवेक, एक होता है बुद्धिवान। क्या क्या होती है चीजें, देखिए बुद्धिवान, दो शब्द आपके पास रख रहा हूं, एक है विवेकशीलता और दूसरी है बुद्धिमान, बुद्धिमानी या बुद्धिमान होना। आप मुझे बताओ, आप चलो एक ऑप्शन दे देता हूँ, ये और ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। आप में से इन दोनों का डिफरेंस अगर कोई व्यक्ति समझता होगा ना, तो वो मुझे बताएगा इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑप्शन पे रहना चाहते हैं, ए ऑप्शन पे रहना चाहते हैं या बी ऑप्शन पे। मैं बढ़िया एक ठोक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, इस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा फिर जल्दी से। ये भी क्वेश्चन है, लाइफ का क्वेश्चन समझ सकते हो। एक व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए या बुद्धिमान होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। जल्दी से, टाइम पास नहीं कर रहा हूं दोस्त, बस 1 मिनट का ही टाइम पास समझ लो इसको, लेकिन आई थिंक ओके। अंजलि जी कह रहे हैं विवेक होना चाहिए, पापा का हेलीकॉप्टर, मैं विवेक सुनूं सर। अरे वाह आदित्य कुमार, अच्छा आदित्य उनको बता रहे हैं, प्रिया से मिलोगे अंजलि तो आप खुश हो जाओगे। अच्छा तो प्रिया, अंजलि यहाँ पे अब जुड़ चुकी है ना, तो प्रिया से जल्दी ही उसकी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि वो प्रिया राय का अब तक जो है वो आने वाली है। संजीव कुमार दिल्ली यहाँ पे ऑप्शन कह रहे हो, बहुत बढ़िया, हम बात करेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर ई की, दिल्ली। और आप लोगों ने कुछ एक छोटा सा जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक होता है ना, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा सदिश राशि और अदिश राशि, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा सदिश राशि अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि जिसमें कोई दिशा, दिशा के साथ में जो है काम होता है, और यहाँ पे अदिश राशि में कोई दिशा नहीं होती, मतलब छिन्न भिन्न वाली बातें होती, वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे रहता था ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जहां से बुद्धि, देखिए एक चोर को भी बुद्धि लगानी पड़ती है चोरी करने के लिए, ठीक है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी बुद्धि की जरूरत पड़ती है, ये तो दोनों व्यक्ति को जरूरत पड़ रही है, लेकिन विवेकशीलता वो होती है जो प्रॉपर वे पे, जो उचित और अनुचित के बीच का पर्याय समझता हो, उस व्यक्ति को हम लोग विवेकशील कह सकते हैं। और
ऐसे ही जब रामकृष्ण परमहंस जी के सामने जब विवेकानंद जी जब कहे थे कि भगवान मुझे, मैं भगवान से क्या मांगू मुझे समझ में नहीं आ रहा करके, तो उन्होंने कहा बस माता जी के पास जाइए करके रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो विवेकानंद जी जो है उनके पास गए और उन्होंने क्या किया, उनको कुछ नहीं सूझा, बस उन्होंने एक ही चीज कहा, हे माँ भगवती मुझे जो है एक विवेकशीलता दीजिए, बस उनके मुंह से कुछ नहीं लिखा। इसलिए उस दिन से उनका नाम विवेकानंद पड़ गया, हालांकि उनका नाम जो है वो नरेंद्र के रूप में था, बाद में फिर विवेकानंद उनको उनके नाम से जाना गया। तो एक छोटी सी बात है, बहुत मैं विशेष इस चीज पर लेक्चर तो नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, बाकी ऐसे ही अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं ऐसे ही आप लोग से शेयर कर लिया। तो आदमी को विवेकशीलता होनी चाहिए, उचित अनुचित का यदि आप पर्याय समझते हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ के फंडे काफी अच्छे होंगे दोस्तों। एज कंपेयर बुद्धिमान होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बुद्धिमत्ता हर जगह सही नहीं होती है, समझदारी ज्यादा अच्छी है, समझदारी के साथ बुद्धि ज्यादा अच्छी है। ये क्वेश्चन पे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी विल ओपन द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा, क्या ऑप्शन कहते हो आप लोग यहां से, मूवी विल ओपन 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा, अनदर राउंड, संजीव कुमार जी कह रहे हैं अनदर राउंड, सतीश बी बी ऑप्शन कह रहे हैं, अंजलि चले ठप्पा लगा देते हैं, फिर बहुमत में जाते हैं, अनदर राउंड कहते हैं। द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ IFFI विल ओपन द 16th जनवरी विद द इंडियन प्रीमियर ऑफ द मूवी अनदर राउंड बाय थॉमस विंटरबर्ज। LCU L58 इज द फाइनल सीट इन द सीरीज ऑफ, कितने नंबर की सीरीज है LCUs बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द GRSE फॉर द इंडियन नेवी, दूसरा चक्र, बेहतरीन, वो दूसरा चक्र से अब आ जाओ बाहर, ने आंसर लगा लिया, अब इस क्वेश्चन पे बताओ बेटा, मेरे को शक हो रहा है तुम पे, पापा का हेलीकॉप्टर, आपके शब्द जो हैं वो कुछ मिले जुले मुझे लग रहे हैं किसी से, थोड़ा सा ध्यान से रहियो पापा का हेलीकॉप्टर। फोर्थ ओल्ड न्यू है, चलें सी ऑप्शन यहां से कहिएगा, हम एट लेंगे, ठीक है। 58 इज द फाइनल शिप इन द सीरीज ऑफ LCU बीइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ GRS फॉर द इंडियन नेवी। क्वेश्चन नंबर 44, नेम द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ठीक है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विच वॉज द रिसेंटली अप्रूव्ड बाई द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये जनवरी के करंट अफेयर्स के तौर पे ही थोड़ा सा कुछ समय पहले की बात है, तो नोवावैक्स है या कोविशील्ड है, जेनसिंग है या मॉडर्ना या आपके फाइजर, क्या कहते हो दोस्तों। मैं अबोध बाला गुरु जी जो ज्ञान लेने के लिए यूट्यूब पर भटक रहा हूं, कभी यहां भी भटक लो, यहां भी तो फ्री में भटकने के लिए बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, मैंने कितने बार कहा, कई बच्चे अभी तक डाउनलोड नहीं किया अनअकैडमी के एप्लीकेशन, तुरंत डाउनलोड करो और भटकने से बचो और एक सही जगह में जाओ जहां पे फ्री क्लासेस भी होती है। ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी में सिर्फ आपको पेड क्लासेस लेते हैं, आपको फ्री क्लासेस लेना है और फ्री क्लासेस के लिए जब कोड पूछा जाएगा HK2020 ये कोड लगाना, टॉप के एजुकेटर्स भी वहां पे फ्री ऑफ क्लास, अच्छे लेवल की क्लास वहां पे आपको देते हैं, इसका फायदा आपको लेना है। यहां से इस क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 पे, तो ऑप्शन नंबर बी कोविशील्ड, आप सबको पता है कि अब एक वैक्सीनेशन के तौर पे इसको काफी प्रयोग में लाया जा रहा है, कोविड-19 फॉर द इमरजेंसी यूज के लिए,
ठीक है, आप सबको पता है कि ये बहुत अच्छे कारगर तरीके से वर्क भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करते हैं। नेम द भारत बायोटेक वैक्सीन विच वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाई द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत बायोटेक वैक्सीन के तौर पे कौन सी वैक्सीन को जो है वो जुड़ी हुई है वहां से। यार मजाक आप करते हैं तो हम भी मजाक कर लिए, मुझ पर शक क्यों? अंजलि, ई ऑप्शन, कोवैक्सीन, 45E, कोवैक्सीन, वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन पर थप्पा लगाओ। DCGI की हम बात करेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज फॉर्मली अनाउंस्ड द फाइनल अप्रूव्ड द भारत बायोटेक कोवैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना डिजीज कोविड-19 फॉर द इमरजेंसी यूज। अच्छा, एक कमेंट्स करने का बस मुझे मन कर रहा है यहाँ से, मतलब आप लोग से जानने की इच्छा हो रही है, यहाँ से इंजीनियरिंग वाले कितने लोग हैं और इंजीनियरिंग को छोड़ के नॉन टेक वाले कितने लोग हैं। आप लोग जितने लाइव जुड़े हैं ना, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने, तो थोड़ा सा बता देना। इंजीनियरिंग वाले होंगे तो BE या BTech जरूर बताइएगा, और नॉन टेक वाले कितने लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 46 चूंकि ओपन हो गया, यहाँ से हम बात करेंगे पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड, तो यहाँ से आंसर मैंने शो कर दिया है। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021। द कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑन द ओकेशन ऑफ इट्स फाउंडेशन डे। तो कितने नंबर का फाउंडेशन डे था ये? 75वें नंबर का फाउंडेशन डे था जिस पर ये विधिवत संपन्न हुआ है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अनदर क्वेश्चन नंबर 47 पे बात करते हैं। द मलाला यूसुफाई स्कॉलरशिप एक्ट हैज बीन पास्ड बाय व्हिच कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा फीमेल। जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस या पाकिस्तान। चलो, प्रिया राय जी की एक बात यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे अर्ज किए हैं प्रिया राय जी ने, और यहाँ पे पढ़ लें थोड़ा सा। जाहिर में प्रीति भटकती है, पर्दे की प्रीति खटकती है, नैनों में रूप बसाओगे तो नियमों पर बात अटकती है। नियमों का आंचल पकड़ूं तो घूंघट का प्यार शर्म भर का, मैं प्यासा ब्रिग जन्म भर का। वाह, ग्रेट। बाकी आप जो भी हैं, लिखते बड़ा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत हिंदी तो हमें कभी नहीं आई है। पापा का हेलीकॉप्टर टाइप करके यहां तो नहीं आ गया ना। चलो, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, हम यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। ऑन द जनवरी 1st 2021 फॉर द यूएस कांग्रेस हैज पास्ड द मलाला यूसुफाई स्कॉलरशिप एक्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन द हायर एजुकेशन अंडर द मेरिट एंड द नीड बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 48 पे बात करें। इंडियन आर्मी हैज इंक्ड ए कॉन्ट्रैक्ट विद व्हिच कंपनी टू प्रोक्योर 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स फॉर द सर्विलांस एंड द पेट्रोलिंग इन द पेंगोंग TSO लेक इन लद्दाख। बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम इतने क्यों ऑप्शन ऑप्शन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ बच्चे। सतीश जी कह रहे हैं 48 पे ए ऑप्शन होना चाहिए। अंजलि कह रही है यूएस, हाँ हो गया अंजलि बच्चे ऊपर वाला क्वेश्चन का इस आंसर पे। अंजलि भी देखो इंप्रेस हो गई इनकी बातों से, प्रिया जी से बहुत खूबसूरत बात लिखी है ना अंजलि, है कि नहीं। यहाँ से डी ऑप्शन कह रहे हो, ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। सतीश कह रहे हैं ये ऑप्शन होना चाहिए। सर जी आप मुझे बदनाम करे, इतनी तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई थी। अरे ऐसा नहीं है यार, बस क्या हुआ अगर आपके ऊपर अगर छोटी सी ऐसी बात करके हम लोगों ने थोड़ी सी गुदगुदाहट हो गई, मजे मजा मजा आ रहा है, लोग यहाँ पे माहौल बन रहा है। क्यों अंजलि सही बात है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। अब एक बैच में हम एक दूसरे को देख तो नहीं सकते,
डेफिनेटली आप दूसरे आप लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन एक क्लास जैसा महसूस तो कर रहे हो ना, कि 10 से 15 यहाँ पे लोग हम लोग बैठे हैं क्लास में, मजे से एक टीचर के साथ यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ी सी गपशप की बातें भी हुई, और क्या है कि नहीं, ये काम भी तो होना जरूरी है ना। नहीं तो फिर आप कहाँ, हम कहाँ, तुम कहाँ, आज यहाँ भटक रहे हो किसी के चैनल में, फिर से जाओगे तो भटकाओ में जिंदगी क्यों जीना। Which organization has approved the US$10 million loan for India to upgrade the power distribution system in Bangalore City? UNDP, NDB, World Bank, ASEAN Development, ADB या Inter American Development Bank? चले चलिए बहुत बढ़िया। 49D, ओके संजीव कुमार जी, एडीबी, अंजलि, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अंजलि थोड़ा अपडेट कर लेना बच्चे, एडीबी, एडीबी की ये अपडेट याद रखना, द आसियान डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड द $100 million, ठीक है, लोन फॉर द 31 दिसंबर, ओके 2020, मॉडर्नाइज एंड द अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द बेंगलुरु टू एनहेंस द इक्वेलिटी एंड द रिलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक सिटी सप्लाई इन द सिटी, ठीक है, ये अपडेट कर लेना जिनका गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस सीजे ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? चलिए बताइए भैया, कैलाश नाथ काटजू या विश्वेश्वर नाथ खरे, पंकज मिथल, कृष्णा मुरारी या रंजीत राणा? चलिए ऑप्शन यहाँ पे 50C पे कह रहे हैं, ओके अंजलि भी सी पे कह रही है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे पंकज मिथल की, ठीक है, पंकज मिथल जी जो कि 2004 सॉरी 4 जनवरी 2021 से जो है वो डीजे के तौर पे यहाँ पे पदभार ग्रहण कर लिए हैं, हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द जम्मू का जम्मू ऑन द 4 जनवरी 2021। पंकज मित्तल न्यू चीफ जस्टिस। पूरा अपडेट पढ़ना भैया, ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द दोनों यूनियन टेरिटरी के तौर पे, जम्मू और कश्मीर का भी और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 51, बजाज ऑटो इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अबव 1 लाख करोड़, दस बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी ग्लोबली, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बजाज ऑटो लोकेटेड? तो बजाज ऑटो वाली जो कंपनी है वो कहाँ पे, इसकी जो हेडक्वार्टर है उसकी स्थापना की गई है कौन से शहर में, ये पूछा जा रहा है। नीनी आ रही है सर, सो रहा हूं शुभ रात्रि। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप जा सकते हैं, इतनी जल्दी खाना खाते हो, इतनी जल्दी सो जाते हो, तो जागते कितने बजे हो तुम, क्योंकि डिनर तुम्हारा हो चुका है पहले से। प्रिया राय जी की भी एक बहुत खूबसूरत बात फिर से आई है, अब खुद को भुला चुके हैं हम, बस तुम्हें भुलाना बाकी है, मुझसा कोई ना चाहेगा तुझे समझ में आना। चलो ठीक है, भगवान करे आपकी बातें आपके चाहने वालों तक पहुंच जाए, और बिल्कुल हम भी उसमें शामिल हैं, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, आप एक अच्छे बच्चे भी हैं और अच्छी तरक्की कीजिए, और वेरी वेरी गुड नाइट आपको, पापा का हेलीकॉप्टर, आप जा सकते हैं। संजीव कुमार जी कह रहे हैं पुणे, पक्का, वाह चलो पक्का लगा देते हैं,
101% आपके आंसर बिल्कुल सही है दोस्त। यहाँ पे आपने कहा बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया। तो ये मल्टीनेशनल टू व्हीलर कंपनी के तौर पे और थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पे बजाज ऑटो हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी इन द वर्ल्ड आफ्टर इट्स क्रॉस इन मार्केट। अनदर क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें दोस्तों, कांग्रेस लीडर विलास पाटिल उदलकर हु हैज पास्ड अवे फॉर ए फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट कैबिनेट, केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा या मध्य प्रदेश, क्या कहते हैं दोस्तों यहां पे जल्दी से। संजीव कुमार पुणे पक्का, सतीश चवन 52C, ओके गोवा के महाराष्ट्र ना। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र की हम बात करेंगे दोस्तों। फॉर्मर महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे एंड द 7 times कांग्रेस MLA रह चुके हैं विलास पाटिल उदलकर हैज पास्ड अवे फॉलोइंग ए ब्रीफ इलनेस। तो 7 times काफी लंबे समय तक वो जो है ऑलरेडी यहाँ पे कांग्रेस से जुड़े हुए एक दिग्गज नेता के तौर पे थे। क्वेश्चन नंबर 53 पे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च KYC अकाउंट ओपनिंग VAO फैसिलिटी फॉर द सेविंग बैंक अकाउंट, SBI, IDBI बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा ऑप्शन है, क्या कहते हैं यहाँ पे B ऑप्शन। चलिए चेक करें, डेफिनेटली IDBI बैंक इज राइट आंसर। IDBI बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ वीडियो KYC अकाउंटिंग ओपनिंग, वीडियो KYC वीडियो अकाउंट ओपनिंग VAO फैसिलिटी फॉर द सेविंग बैंक अकाउंट्स। ठीक, IDBI बैंक अब जो है आप घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से KYC अकाउंट ओपनिंग की सर्विस यहां पे दे रही है, वीडियो KYC अकाउंट ओपनिंग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF, राजन वर्मा, रविंद्र डोंगरे, PR वेंकट रामा, राजा या सिंह चौहान या संजय कपूर, बताइए भी क्या होना चाहिए ऑप्शन। फर्स्ट कोटक था ऐसा है क्या, अच्छा इस क्वेश्चन पे कोटक, हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल 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 फर्स्ट नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, मैंने इसीलिए फर्स्ट अगर कह दिया होगा तो आप गलत मत समझिएगा। बाकी हम IDBI बैंक अनाउंस था, ये रिसेंटली की खबर के हिसाब से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल तो सही है। सेकंड नंबर पे IDBI को रख लो, नहीं ये गलत हो जाएगा। चलिए चलिए हम बात करते हैं 54 नंबर पे, ओके AICF 54D ई, संजीव कपूर was elected the president of All India Chess Federation AICF AICF। ठीक है अपडेट कर लेना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 55, who among the following has been appointed as the chairman of All India Gem and Jewelry Domestic Council, Gem and Jewelry Domestic Council, आशीष पेथे, संयम मेहरा, रोहन राजपूत, विक्रमजीत सिंह या साहिल गुप्ता, चलिए बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 55 पे। आई थिंक साहिल गुप्ता, आशीष पे थे। ठीक है, द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जे
GJC, the National Apex Body for Gem and Jewelry Industry, has announced the appointment of Ashish Bedi, chairman. Question number 56. With which sports is Michael Kindo, who passed away recently, associated with football, wrestling, cricket, badminton या hockey? क्या कहते हैं दोस्तों? Question number 56. संजीव कुमार जी, आप भी क्रिकेट? चलो ठीक है. सतीश सतीश भाई साहब कह रहे हैं 56 पे ई ऑप्शन होना चाहिए, तो ये थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा बॉस आपको. आप कहेंगे हॉकी. ओलंपिक ब्रॉन्ज एंड द वर्ल्ड कप विनिंग हॉकी प्लेयर माइकल किंडो पास्ड अवे. ही प्लेड थ्री मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 1971, 73, 75, where India bagged bronze, silver, gold medal, and he is also present the 1972 Olympic Games where India secured a bronze medal. Kindo received the Arjun Award in 1972. ठीक है, चलिए. Question number 57 पर बात करें. Who among the following took charge as the Deputy Chief of Army Staff recently? बीरेंद्र सिंह, करमबीर, शांतनु दयाल, रामदास कटारी या फिर बिपिन रावत? क्या कहते हैं? चलिए आंसर ये रहेगा आप लोग का सी ऑप्शन, शांतनु दयाल. Chief of the Army Staff is the head and director of executive of military staff of Indian Army. ठीक है, recently Indian Army to deploy fully armed indigenously boat at the Pangong Lake. This lake is situated in which state या Union Territory? सॉरी, क्या कहते हैं, कहां पे है? यूनियन टेरिटरी याद रखना लद्दाख. ठीक है, इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय फुल्ली आर्म इंडिजिनियसली बोर्ड द पैंगोंग लेक इन द लद्दाख फॉर द रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट पेट्रोलिंग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59. द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड द 105 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट टू इंप्रूव द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के संयुक्त पहल से वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है. बताइए वो कौन सा स्टेट है? संजीव जी कह रहे हैं वेस्ट बंगाल. ओके, बिल्कुल, हम WB की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, जहां की सरकार ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों की पहल से 105 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट के तौर पे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो है ये साइन हुआ है, खासतौर पे कोलकाता में. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर. ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल वर्किंग में है. क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करें. हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड द टाइकोथन 2021 एंड द टाइकोथन पोर्टल. टाइकोथन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप द इंडिया एज द ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब. आप सबको पता है ऐसे आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के तहत
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक आह्वान किया था और ये भी कहा था लोगों को कि अब जो है डिपेंडेंसी से थोड़ी सी और हमें दूरी बना लेनी है और आत्मनिर्भर भारत जो है एक नई पहल के साथ हमें जीना होगा। COVID-19 संकट काल में ये बात रखी गई थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इसी के तहत जो है अभी टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक विशेष टाइकोथन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। तो किन के माध्यम से किया गया है ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 पे ए ऑप्शन संजीव जी कह रहे हैं, सतीश जी कह रहे हैं ई ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ब्रेक के तौर पे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि देखिए ये वाली जो क्लास है ये तो मैं अभी खत्म करूंगा अभी बस 2 मिनट से 3 मिनट में, और उसके बाद फिर एक क्लास जो है हम लोग करेंगे 10 बजे के आसपास, पक्का करेंगे 10 बजे, 10 बजे या 10 बजे से आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है समय, 5 से 10 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं होगा, मतलब 10, 5, 10, 10 तक हम ये क्लास स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग जितने लोग वहां पे अगर खाना खाने के बाद अगर आपके पास समय बचता है और आप जल्दी नहीं सोते हैं तो डेफिनेटली 10 बजे या 10:05 तक आइएगा। इस क्लास की जो 20 क्वेश्चन है वो तो हम कंप्लीट करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें अपडेट करके आप लोगों से लाइव फिर से आऊंगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, 2 घंटे के क्लासेस लगभग हमने कंप्लीट कर चुकी है, और ये रहा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, रमेश पोखरियाल निशंक। आप सबको पता है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड द यूनियन मिनिस्टर WCD एंड टेक्सटाइल श्रीमती कौन, स्मृति जुबिन ईरानी, ज्वाइंटली लॉन्च्ड द टाइकोथन 2021 एंड द टाइकोथन पोर्टल। टाइकोथन इज बींग ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप इंडिया एज द ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी पहल है ये, क्योंकि अब बच्चों के हाथ में हर एक खेलने वाला सामान जो है वो बाहरी देश से आयात करने वाली बात ना हो, हमारे देश में भी अब कहना नहीं चाहिए लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में कुछ ऐसे मुल्क हैं जो एक दबाव की स्थिति बना रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और आज हमारी डिपेंडेंसी बहुत हद तक बढ़ गई है आयात करने को लेकर, जबकि हमारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम चीजों को हम निर्यात करें जिससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में और भी प्रोग्रेस वे पे आगे बढ़े। तो ओवरऑल कहना चाहूंगा कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर काम करना होगा और इंडिया के लिए यही अच्छा होगा, और हम सब नागरिक को भी समझना होगा कि क्या चीजें हमारे लिए उपयोगी होगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि चाइनीज ऐप पर भी बहुत सारे ऐप पे प्रतिबंध लगाया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और ऐसे चाइनीज बहुत सारे गेम्स से लेकर आपके बहुत सारी चीजों का जो है अब जो है बहिष्कार किया गया है, तो कहां तक ये उचित है अनुचित है ये आपको समझना है, बाकी हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश में हमारा भी सहयोग बिल्कुल जरूरी है। सर मैं बता रहा हूं ये गंगाधर ही शक्तिमान है, अच्छा चलिए ठीक है। सतीश चवन, आई विल बी ऑन 2200 आवर्स, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सतीश जी, नहीं सतीश अभी मैं सोच रहा हूं कि अभी 20 क्वेश्चन रहने देते हैं, हम डेफिनेटली यहां पे क्वेश्चन को करेंगे, मैं आप यहाँ पे आपने कह दिया मैं आपके लिए इस क्लास को लेके आऊंगा, बिल्कुल 10:10 में ये क्लास स्टार्ट होगी फिर से एक नए क्लास के तौर पे, आज ही हम स्टार्ट करेंगे और उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं अपडेट करके लाऊंगा, ठीक है, प्रॉमिस डेफिनेटली मैं यहाँ पे रहूंगा, ठीक है, और आप यहां से जुड़े रहिएगा, हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, और फरवरी का जो है कल की क्लास हो डेफिनेटली कल से मेरी जो मेरी टाइमिंग आप लोग को अपडेट मैं फिर से बता दूं, मेरी हर रोज की क्लासेस की टाइमिंग ना 7 बजे रहती है, लेकिन इस मंथ की क्लासेस अप एंड डाउन थोड़ी हुई है, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन 7 बजे मैं हर रोज शाम को मिलता हूं, और कल की क्लासेस जो है वो प्रॉपर वे पे आ जाएगी करंट अफेयर्स के तौर पर, और साथ में जो है कल का एक नया शेड्यूल होगा, नए शेड्यूल के साथ में मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा इसे साथ और क्या चलेगा। तो कल की क्लास कल ही है, अब तो फिलहाल लाइव आ रहा हूं मैं 1 घंटे के बाद,
आप लोग से फिर से मुलाकात करनी है, ठीक है। तब तक के लिए इतने क्वेश्चन को रहने देते हैं, हम बाद में बात करेंगे। आज के सेशन यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ अभी का, और एक घंटे बाद फिर से मुलाकात होगी। आप लोग अगर अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो ये जरूर कर लेना, और करने के बाद आप जो है मुझे फॉलो करने के बाद यहाँ मैसेज कर देना, आप मुझसे डेफिनेटली अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो आपको स्टडी से संबंधित, मैं आपकी हेल्प करूंगा। HK2020 ये कोड आपको नहीं भूलना है, आपके दोस्तों से लेकर आपके अपने रिश्तेदारों तक को इस कोड की मदद से आप जो है उन्हें मैक्सिमम डिस्काउंट दिला सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के लिए। ये प्रोसेस कैसे करनी है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे आने के बाद, हरीश कुमार ये मेरा प्रोफाइल पिक्स है, ये मेरा नाम है, आने के बाद आप मुझे फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद एक मैसेज का बटन आता है वहां पे, आप हेलो सर जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई वहां से दूंगा, ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो अभी की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ दोस्तों, फिर से जल्द ही मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा सेशन रहा आपके तरफ से भी, आप लोगों ने काफी अच्छा यहाँ पे साथ निभाया, धन्यवाद आप लोगों का। फिर से मुलाकात होगी अभी एक घंटे बाद, तब तक आप लोग बने रहिएगा HK2020 कोड के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबका।